वेलकम फ्रेंड्स, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहिए, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर स्किप करते हैं तो बाद में दिक्कत परेशानी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि अगर आप लोग वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेटस में आपको दिखा रहा है रिजेक्ट या रिमार्क में वहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल। ओके फ्रेंड्स, तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो मैं ऑनलाइन अप्लाई किया था वृद्धा पेंशन योजना के लिए उसका स्टेटस चेक करता हूँ तो वहाँ पर क्या इंटरफेस आ रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, आपको अपने गूगल ब्राउजर में जाना है, आपको वहाँ पे टाइप करना है ssp.miss.in। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से टाइप करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स की आपको पहले अपने मोबाइल का जो है सो डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखते हैं 3 डॉट, तो इस पर चलिए क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप साइड। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे किया हूँ तो यहाँ पे टिक मार्क दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, यहाँ पे जूम कर देते हैं, यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ पे क्लिक करना है आपको। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बेनिफिशियरी स्टेटस, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइड स्लो चल रहा है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे लिख रहा है कि सेलेक्ट सर्च टाइप। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बेनिफिशियरी आईडी, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप किसके माध्यम से चेक करना चाहते हैं अपना स्टेटस। तो चलिए मैं अपना स्टेटस जो है सो मोबाइल नंबर के माध्यम से चेक करना चाहता हूँ, तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, मोबाइल नंबर टाइप करना। तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सर्च का बटन मिल जाएगा, तो इस पर चलिए सर्च कर पे क्लिक करते हैं। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही लोड होगा तो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने लगेगा नीचे में, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। तो देख सकते हैं लोडिंग होकर यहाँ पे आ चुका है, सारा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बेनिफिशियरी आईडी मिल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्कीम का नाम मिलेगा मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे नाम मिल जाएगा और उनका फादर्स का नाम मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और RTPS एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे नाम दिखा रहा है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं फ्रेंड्स, बेनिफिशियरी का स्टेटस जो है, तो यहाँ पे स्टेटस में दिखा रहा है रिलेटेड बेनिफिशियरी बाय DEO। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे रीमार्क में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ कि डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल, ये बता रहा कि आपका डॉक्यूमेंट कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया नहीं है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट आपका कोई भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कैसे ठीक करेंगे, या बहुत सारे व्यक्ति को यहाँ पे क्या होता है, स्टेटस में लिखा हुआ आता है रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड लिखा हो या रिमार्क में डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल लिखा हो, तो उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, आपको बैक जाना है। ओके फ्रेंड्स, बैक जाने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे आना होम पेज पे, और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा वेट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो चलिए आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है सबसे लास्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे लास्ट जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना, सिंपली से आपको एक ईमेल आईडी से आपको इस ईमेल आईडी पे मैसेज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बेनिफिशियरी का आईडी जो है वो आईडी, और बेनिफिशियरी का नाम, उनका पिता का नाम, अपना आधार नंबर, और किस रीजन से आपके फॉर्म जो है सो रिजेक्ट हुआ है उस रीजन को टाइप कर देना है। ओके फ्रेंड्स, और इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो आपका जो है सो 1-2 दिन में रिप्लाई आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और रिप्लाई आने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे स्टेटस में चेक करते हैं तो एडिट का ऑप्शन वहां पे दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो जैसे ही एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप लोग वहां से जाके अपना एडिट, अपना आधार नंबर और आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम डाल के एडिट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।